नमस्कार दोस्तों, आज मैं मेरी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ इंटरनेट वर्क्स फॉर सबमरीन केबल्स। आप लोग इंटरनेट तो चलाते होंगे, लेकिन आप में से कई लोगों को ऐसा नहीं पता होगा कि यह इंटरनेट आपके पास आता कैसे है। फ़ौरन से भी आपके पास इंटरनेट का डाटा इतनी जल्दी पहुँच जाता है तो वह कैसे पहुँचता है, इसलिए मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि हाउ इंटरनेट वर्क्स फॉर सबमरीन केबल्स। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आपको पता चल पाएगा कि हाउ इंटरनेट वर्क्स वाया सबमरीन केबल। सबमरीन केबल्स होती क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, देखते रहिए यह वीडियो, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यह सबमरीन केबल मैप है। तो दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा होगा कई कलरफुल लाइंस आपको दिख रही होंगी। यह सबमरीन केबल्स का नेटवर्क है जो कि हर कंपनी बिछाती है, जिससे कि वो आपको डाटा प्रोवाइड कर सके। जैसे कि इंडिया में जियो ने यह सबमरीन केबल्स बिछा रखी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हांगकॉन्ग से लेकर फ्रांस तक, जिसकी वजह से ही वो आपको इतने कम कॉस्ट पर आपको डाटा दे पा रही हैं, क्योंकि उनका सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट है और उनको कुछ भी इनकी सबमरीन केबल्स का जो डाटा आ रहा है उनको किसी दूसरी कंपनी को चार्ज नहीं देना पड़ रहा है, इसलिए वो आपको इतने कम रुपए में आपको नेटवर्क दे पा रही हैं। दोस्तों, आप इसमें देख रहे होंगे कि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट है, एंटार्क्टिका, जहां पर यह सबमरीन केबल्स का डाटा नेटवर्क नहीं पहुंच पा रहा है। यह अंडर सी होती है, एट द बेस ऑफ द सी। दोस्तों, ये सबमरीन केबल्स ऑप्टिकल फाइबर से बनी होती हैं, जिसमें इनके ऊपर सबसे पहले होता है प्लास्टिक का कवर, जो कि इनको थोड़ा प्रोटेक्ट कर पाता है। उसके बाद स्टैंडर्ड स्टील वायर्स, एल्युमिनियम वाटर बैरियर, पॉलीकार्बोनेट कॉपर और एल्युमिनियम ट्यूब, पेट्रोलियम जेली एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स दोस्तों ग्लास से बनी हुई होती है, और ग्लास आपको पता ही होगा सिलिका से बना हुआ होता है। यह ट्रांसमिट लाइट को ट्रांसमिट करने में बहुत ज़्यादा काम आती है, और इनमें से आपका जो डाटा होता है वह टावर से लाइट में कन्वर्ट होकर ऑप्टिकल फाइबर्स में जाता है। ऑप्टिकल फाइबर्स में जाने के बाद दोस्तों लाइट जाती है। तो अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि अगर लाइट इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है इन ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर, क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देता है ऑप्टिकल फाइबर्स, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या उसमें एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें एनर्जी बहुत ही कम लॉस होता है, 0.% उसमें लॉस होता है, इसलिए यह इतनी दूर तक हायर बैंडविड्थ पर ट्रैवल कर पाती है और लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर्स का स्ट्रक्चर सोच रहे होंगे आप, तो ये दोस्तों हेयर लाइक स्ट्रक्चर, आपके बाल से पतली होती है, और एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर में से लगभग 80 लोगों का डाटा पास आउट होता है, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर्स इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक ऑप्टिकल फाइबर केबल से जो कि आपको ये दिख रही होगी ब्लैक कोटेड, इसमें से लगभग मिलियंस लोगों का डाटा ट्रांसफर हो सकता है। देखिए, अब सी के अंदर भी होगा, जियो फ्रांस से हांगकांग तक होगी पहुंच, इसीलिए जियो कंपनियां आपको इतने कम रेट पर डाटा दे पा रही है। सबमरीन केबल सिस्टम्स आप देख सकते हैं, ये एट द बेसमेंट ऑफ द सी होती है। तो आप ऐसे सोच रहे होंगे क्या इनका एनवायरमेंट पर इफेक्ट नहीं हो पाता है, क्या इनका मछलियों से टकराव नहीं हो पाता है? तो उसका दोस्तों कभी कभी देखिए, आप देखिए 1877 to 1955 showed a total of 16 cable faults caused by the entanglement of various whales. हाँ दोस्तों, शार्क वगैरह इन केबल्स को खा जाती हैं, लेकिन 9% ही केसेस सामने आए हैं जहां पर ये ऑप्टिकल फाइबर्स को मछलियों की वजह से कुछ नुकसान हुआ हो। इसीलिए दोस्तों, इनकी सस्टेनेबिलिटी लास्ट 30 ईयर्स तक इनकी सस्टेनेबिलिटी होती है, उनके बाद इनको रिपेयर भी किया जाता है, टाइम टू टाइम इनको रिपेयर किया जाता है, इनका इंस्पेक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से यह केबल बची हुई रहती है। दोस्तों, आपको याद हो पाकिस्तान में कराची में एक बार सबमरीन केबल टूट गया था, इसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोगों को डाटा नहीं मिल पाया था। इसलिए सबमरीन केबल्स हमारे इंटरनेट डाटा नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा एक इफेक्ट छोड़ती है। अगर ये ना हो तो क्या पता आपको डाटा नहीं मिल पाए, लगभग रिपेयर ना हो तो 10 से 15 दिनों तक। ऐसे बेसमेंट पर इनका प्लेटफॉर्म होता है, और डाइवर्स या फिर कुछ ऐसी मॉडर्न टेक्निक आ गई है जिनकी वजह से इनको रिपेयर किया जाता रहता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ सबमरीन केबल्स, ओनली 1% ऑफ इंटरनेशनल ट्रैफिक
इज इंटरनेशनल ट्रैफिक ऑफ डाटा इज डन बाय द सैटेलाइट लिंक्स व्हाइल द रिमाइंडर वाज कैरिड बाय अंडरसी केबल। इसीलिए दोस्तों इनकी इतनी ज्यादा इनका इतना ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। टोटल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सबमरीन केबल्स इज द टेराबाइट्स पर सेकंड, टेराबाइट्स 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड। दोस्तों डिस्प्ले हायर लेटेंसी। दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी नॉलेजफुल अपडेट्स पाने के लिए, जिससे कि आपको पता चलेगी आपके और अराउंड आपके हो क्या रहा है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता, उसके पीछे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज होता है। आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरी वीडियोज को और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।